नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अम्ब्रेला स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर की करंट अफेयर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और आज की वीडियो का को शुरू करेंगे कल के सवाल से। तो कल का सवाल था, ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? ऑप्शन थे नरेंद्र मोदी, इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2017-18 में आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार से नवाजा गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को ये पुरस्कार प्रदान किए। इस साल विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 76 पुरस्कार दिए गए। आंध्र प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। आपको ये भी याद रखना होगा कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रमोशन अनुकूल राज्य का पुरस्कार भी मिला है। तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति जो राज्य मंत्री हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। इसमें आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, यहाँ के सीएम जगमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। इसमें उत्तराखंड के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। हमें इस क्वेश्चन से यह जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 28 सितंबर, ऑप्शन सी 30 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 सितंबर। तो अनुवाद दिवस का आयोजन बाइबल के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम अनुवादक संत जेरोम की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये आपको याद रखना हो किसकी स्मृति मनाया जाता है, संत जेरोम की स्मृति में। जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के अन्य दिवस महत्वपूर्ण होते हैं उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। और इस वर्ष की जो थीम है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, अनुवाद तथा देशज भाषाएं इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम है। तो अनुवाद जगत के लिए यह दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि अनुवाद के वैश्विक महत्व को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई 2017 को एक संकल्प पारित करके 30 सितंबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तो कब से मना रहे हैं इसको, ये घोषित हुआ था 24 मई 2017 को और पहली बार 30 सितंबर 2017 को मनाया गया था। हमें इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विवेक शर्मा, ऑप्शन बी एम के सिन्हा, ऑप्शन सी थानु पद्मनाभन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थानु पद्मनाभन। तो 62 वर्षीय भौतिक शास्त्री एवं खगोल शास्त्री थानु पद्मनाभन को हाल ही में एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान किस लिए दिया गया? तो उन्हें यह सम्मान खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो इसमें एमपी बिरला के जो पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है, किस कारण से है, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड की स्थापना 1993 में की गई थी। यह अवार्ड अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल भौतिकी तथा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। और इसमें ये पुरस्कार राशि होती है वो 2,51,000 रुपये तथा एक ट्रॉफी दी जाती है। हमें इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया?
ऑप्शन ए 28 सितंबर, ऑप्शन बी 29 सितंबर, ऑप्शन सी 30 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 28 सितंबर। 28 सितंबर को विश्व भर में विश्व रैबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है रैबीज बीमारी तथा इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना। और इस वर्ष की जो थीम है 2019 की वो है रैबीज उन्मूलन के लिए टीकाकरण। ये इम्पोर्टेंट है। इस दिवस का जो उद्देश्य होता है वो जानवरों व इंसानों पर रैबीज के प्रभाव तथा रैबीज को रोकने के तरीके के बारे में जागरूकता फैलाना है। हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 29 सितंबर, ऑप्शन बी 30 सितंबर, ऑप्शन सी 27 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 29 सितंबर। वर्ल्ड हार्ट डे के लोगों को भाग लेने और कुछ ज्ञान लेने के लिए प्रेरित करता है। यह हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस पहल की स्थापना वर्ष 2000 में लोगों को उनके दिल की देखभाल करने के लिए सूचित करने के लिए की गई थी। किस लिए की गई थी? दिल की देखभाल करने के लिए। अब देखो, समाज में आम जनता एक बड़े में प्रतिशत दिल की बीमारियां जैसे स्ट्रोक, दिल का दौरा, दिल की विफलता आदि से पीड़ित हैं। इनसे बचने के लिए एवं जागरूक करने के लिए इस दिवस को 29 सितंबर को मनाया जाता है। हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कार्यालय खोलने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हुई थी 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय जो मुंबई में भारत में। इसके प्रमुख व्यक्ति हैं जो अब चेयरमैन हैं रजनीश कुमार हैं, वो आपको याद रखना होगा। ठीक, हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे चुना गया है? ऑप्शन ए जे के वर्मा, ऑप्शन बी मानव शर्मा, ऑप्शन सी के एस दत्तवालिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के एस दत्तवालिया। तो भारतीय सूचना सेवा आईआईएस के अधिकारी कुलदीप सिंह दत्तवालिया भारत सरकार का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने उन्हें पत्र सूचना कार्यालय PIV के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है। हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी 30 सितंबर, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अक्टूबर। तो 14 दिसंबर 1990 को यह निर्णय लिया गया कि हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाकर हम बुजुर्गों को उनका सही स्थान दिलाने की कोशिश करेंगे। तो इसको पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया गया। इसके बाद से इसे हर साल इसी दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, इसका उद्देश्य है बुजुर्गों को हंसते मुस्कराते रहने दीजिए। हमें इस क्वेश्चन से ये जानकारी मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रशियन फार्मूला वन रेस किसने जीती है? ऑप्शन ए सेबेस्टियन बेटल, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए अस्त्र, ऑप्शन बी ब्रह्मोस, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अस्त्र। तो अस्त्र मिसाइल BVR बोले तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मार्क क्षमता वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है।
अस्त्र एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी मौसम में इस्तेमाल की जा सकती है। इसे एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस से लैस किया गया है। ठीक, ये कैसी मिसाइल है? इस मिसाइल का नाम अस्त्र मिसाइल है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। DRDO ने इस मिसाइल का परीक्षण SU-30 MKI एयरक्राफ्ट से किया। पश्चिम बंगाल के एयरवेस में इस परीक्षण का वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने जारी किया है। हमें इस क्वेश्चन से यह जानकारी मिलती है। अब देखते हैं आज का क्विज या आज का सवाल। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? ऑप्शन ए HS अरोड़ा, ऑप्शन बी MK सिन्हा, ऑप्शन सी VK सिन्हा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको सही आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना, और किसी भी एजुकेशनल ग्रुप जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।